अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद एहसन साहब, और हम बात करेंगे आज एफर्टलेस इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पर। एहसन भाई, जनाब कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एहसन भाई, मैं चाहूँगा पहले आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, एंड देन फिर हम इस मेथड की तरफ जाते हैं जो आपने यूज़ किया लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने के लिए। ठीक जी, मेरा इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह का है कि मेरा मास्टर्स है अप्लाइड फिजिक्स में, और मास्टर्स करने से भी पहले से, बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद से, मैं एक पब्लिशिंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, बैतुलन पब्लिशर्स के साथ। तकरीबन 14-15 साल मुझे हो गए, और वहाँ पे मेरा मेन काम जो सही है वो एकेडमिक कंटेंट राइटिंग का है, यानी कि जो स्कूल बुक्स बच्चों के लिए लिखी जाती हैं, इंग्लिश की, साइंस की, मैथ्स की, उसका जो कंटेंट होता है वो मैं डेवलप करता हूँ। और हमारी टीम होती है पूरी, फिर ग्राफिक सही डिज़ाइन और बाकी चीज़ें करके पूरी बुक हमारे पास से पब्लिश होके जाती है। तो ये मेरा मेन काम सही है। इस काम में आने की वजह भी ये थी कि इंग्लिश बेहतर थी कुछ, और बाकी फिर वहाँ जाके इम्प्रूव हो गई, यानी कि 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस में। और इसके साथ सही ऑब्वियसली जब आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, एकेडमिक कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो उसके साथ आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी सही कि एक लैब है, लैब से जो भी चीज़ जाएगी वो टेस्ट करने के लिए आपको टीचिंग की फील्ड में होना ज़रूरी है। तो फिर ऑफ कोर्स टीचिंग भी करी मैंने, तकरीबन पहले से भी कर रहा था, तकरीबन 14-15 साल का ही आप समझ लें टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो सही उसमें सब सब्जेक्ट्स के ही, जिन जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते रहे, उन सब्जेक्ट्स की ही टीचिंग के ऊपर काम किया। और फील मुझे ये हुआ, सही मेरा मेन सब्जेक्ट तो साइंस का था, लेकिन मुझे फील ये हुआ कि साइंस हो, मैथ्स हो, या जो भी किसी फील्ड को आप पिक करें, उसमें जब मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। अगर आप लैंग्वेज बैरियर सही हटा दें, आप साइंस या मैथ्स उर्दू में पढ़ना शुरू कर दें, तो उसके ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप जो है ना वो बच्चों की, और जो है ना वो होने लगेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं, हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और एक इंग्लिश का एक जो है वो हमने एक फोबिया बनाया हुआ है, और हर बंदा जो है वो चाहता है कि सही उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, और बाकी सारे सही सब्जेक्ट्स भी इसी वजह से जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेंगे। तो जब तक इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, तब तक आप बाकी चीज़ों में नहीं एक्सेल कर सकते। तो फिर मैंने अपना सही फोकस जो और है वो मैं इंग्लिश समझ की तरफ, जी, सही मेरे ख्याल में अब तो वो उर्दू भी हमारी बहुत वीक हो गई है, क्योंकि हम वो वाली उर्दू तो मेरे ख्याल में किताबी उर्दू तो समझ भी नहीं आई किसी को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बीच में जब मैं इस ख्याल का हामी नहीं था, मैं दूसरी साइड को ट्राई करने की कोशिश करी, तो मैथमेटिक्स वगैरह जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, आद आजम और ये, तो सुन के दिमाग जो ना थोड़ी देर के लिए घूम जाता है कि आद आजम होता क्या है जी, बी सी डी को आद आजम कहते हैं, और यानी कि रिलेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उर्दू की टर्म्स को। और अभी मैं इस्लामियात की बात कर रहा था, बच्चे को पढ़ा रहा था नमाज का तरीका, तो उसमें एक लफ्ज आया सुरीन, तो उसको मुझे थोड़ा सही टाइम लगा उसको एक्सप्लेन करने में कि सुरीन जो है वो थाइस को कहते हैं, रान को कहते हैं। तो सही वो आम तौर पे बड़े बड़े लोगों को जो है ना, ये उर्दू की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो अब क्लियर नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश जो है सही वो हमने इतनी ज़्यादा अडेप्ट कर ली है। तो ये मेरा ठीक एक सर ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सही। अच्छा अब हम मैं चाहता हूँ कि हम सीधा आ जाएं उस मेथड्स की उस मेथडोलॉजी की तरफ जो एक दो दफ़ा मेरे प्राइवेट डिस्कशन में आपने शेयर भी की थी, कि किस तरीके से अगर एक आम आदमी है जो लैंग्वेज सेंटर भी नहीं गया, स्कूलिंग में भी कोई उसकी इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छा काम नहीं हुआ, बट नाउ ही वॉन्ट्स टू लर्न, तो वो कैसे अपनी चारों एरियाज को डेवलप कर सकता है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग को। जी सर इसके अंदर मेरे भाई ऐसा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोग्राम है हमारा, उसके अंदर हम इस बात को बहुत ही वाजे करके डिस्कस करते हैं कि कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो के होते हैं पॉलीग्लॉट्स, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा जबाने जो हैं वो बोल सकते हैं। सही तो वो ठीक है पॉलीग्लॉट्स के जब आप सुनते हैं उनको, और उनसे जब टिप्स लेते हैं कि वो उन्होंने लैंग्वेजेस किस तरह लर्न करी, तो सबसे अहम बात तो वो ये बताते हैं भाई कि लैंग्वेज को मास्टर करने का मतलब ये नहीं है कि आप न्यूक्लियर फिजिक्स से लेके उस जबान के लिटरेचर तक, अदब तक जो है ना वो डिस्कस कर सकें। ये मेरा ख्याल है आप मादरी जबान में भी नहीं कर सकते, ठीक है। सही आप अगर
जैसे मैं अगर न्यूक्लियर फिजिक्स इंग्लिश में डिस्कस कर सकता हूँ, तो उर्दू में मैं जो है उर्दू अदब डिस्कस कर सकता हूँ। मैं दोनों चीजें ना इंग्लिश में डिस्कस कर सकता हूँ ना उर्दू में, दोनों, यानी कि आप की जो जबान की मास्टरी का लेवल होता है ना, वो एक सर्टेन लेवल तक, यानी कि बीच में ही कंसिडर किया जाता है। अगर आप अपने अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और सही मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए जो इंग्लिश या जो भी कोई लैंग्वेज आपको सीखनी होती है ना, वो जी आती जी है सिर्फ आप जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उस जबान के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सही अब मसला ये आ जाता है कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो आप कहाँ इंग्लैंड जाएं, यूएस जाएं, और वहां जाके आप जो है वो नेटिव स्पीकर्स के साथ इंटरेक्ट करें। तो उसका एक सही आसान हल जो निकाला, जो मेहर भाई डिस्कस कर रहे हैं बार बार, कि आप डिस्कस कर रहे हैं कि बार बार हम, वो हल ये था कि आप उस लैंग्वेज से रिलेटेड लोगों को देखना शुरू कर दें, वीडियोस देखना शुरू कर दें। तो एक सही बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, टेड उसका नाम है, TED, टेक्नोलॉजी इंटरटेनमेंट डिजाइन, उस एब्रिविएटेड है टेड में। तो इसमें होता है कि आप अपनी पसंद के टॉपिक चूज कर सकते हैं, और उस टॉपिक के एक्सपर्ट्स जो है ना, वहां पे आके वो अपने बाद एक शॉर्ट वीडियो के अंदर, जो कि मैक्सिमम 20 मिनट्स की होती है, 20 मिनट से कम की होती है ज्यादातर, उसके अंदर वो अपनी बात जो है ना वो आके एक्सप्रेस करते हैं। तो वो नेटिव सही स्पीकर जब आते हैं, और ज्यादातर जो है वो, मतलब मेरा ख्याल है 90% के करीब जो है वो इंग्लिश में ही है, तो वो जब आके अपनी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सप्रेस करते हैं, और आप जो है उस टॉपिक में इंटरेस्टेड भी होते हैं। जैसे मेरा टॉपिक जो था वो फिजिक्स था या साइंसेस था, तो उसके अंदर जो बिल्कुल सही कटिंग है, जो रिसर्च हो रही है, जो बिल्कुल अभी जो बात चल रही है, वो बात मुझे सुनने को मिलती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब आप सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं, तो सीक्रेट फॉर्मूला बेसिकली यही है कि जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना अच्छा आप बोलेंगे, और ठीक जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे। तो अगर आपने अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू रीड। आप अपनी मर्जी की जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, बुक्स, वो आप पढ़ें। अपने सुनने, अपने पढ़ने की जो मतलब सलाहियत है, उसको थोड़ा बढ़ाएं। और अगर आप सही फ्लुएंसी डेवलप करना चाहते हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं बोलने की बुक्स, तो उसके लिए आपको जो है वो सुनना पड़ेगा। और मेरा ख्याल में टेड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इसके लिए। तो सही। मेरा अच्छा सीक्रेट क्या फार्मूला जो है वो ये है। क्या सिर्फ सुनने से ही डेवलप हो जाएगी? क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो जब से मैंने लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया एक तरीके से और चीज़ों को सीखना शुरू किया, तो चूंकि हमारे लिए भी मेजॉरिटी कंटेंट इंग्लिश में ही होता था, तो हम एंथनी रॉबिन्स को भी सुन रहे हैं, तो रॉबिन शर्मा को भी सुन रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, और वो मेजॉरिटी इंग्लिश में ही हो रही है बात। लेकिन चले इससे इतना तो हो गया कि मुझे समझ में आने लगी, लिसनिंग स्किल्स तो डेवलप हो गई, लेकिन मेरी स्पीकिंग मैं समझता हूँ अभी भी वैसी डेवलप नहीं है। तो ये इस रेशू को कैसे बैलेंस करना है कि यानी अगर आप मुझसे लिसनिंग की बात करेंगे तो शायद मैं कहूँगा कि पिछले 10 साल में ऑन एवरेज समझे आधा घंटा तो होगा पर डे कि मैं क्लिप और ये सब गोरों के सुन रहा हूँ, जिसमें कोई वो मूवी भी नहीं है कि मैं एक्शन से समझ लूँ कि वो क्या कह रहा है, वो ठेठ बैठ के लेक्चर ही दे रहा है, मैं उसकी उसकी बात को समझ रहा हूँ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग तो वहाँ मैं मेरे ख्याल उतनी मुझे नहीं वैसी फ्लुएंसी नहीं मिल रही। तो ये इसका बैल रेशो जरा अगर आप डिस्कस करें। इसमें दरअसल बात सिर्फ जो है ना वो, यानी कि सिर्फ एक फैक्टर मिसिंग रह गया आपका, और वो है मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस। कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लें ना, आप लोगों से बात करना शुरू कर दें एक दफा, ठीक है ना, सही सारे शर्म और झिझक और सब चीजें कि मैं कैसा बोलूंगा, क्या फील होगा लोगों को, उसको साइड पर रख के आप बोलना शुरू कर दें, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। देखें, जब आप इतना ज्यादा सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स हैं, वो बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी हैं। अब सिर्फ सही आपको क्या कहना चाहिए कि अगर कोई मसला हो सकता है, तो ये हो सकता है कि आप प्रोनंसिएशन में थोड़ी सी कोई जो है ना वो शुरू में प्रॉब्लम हो, वो भी सही इसलिए क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो ऑब्वियसली वो चीजें हल होती जाएंगी। हमारा मसला ये है जनरली लोगों का, कि हम लोग डरते हैं कि अगर हम गलत इंग्लिश बोलेंगे ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा जो है ना वो मसला हो जाएगा। लेकिन अगर सही आप देखें, कोई बंदा आपके पास आके गलत उर्दू में बात करता है, उसकी उर्दू अच्छी नहीं होती, तो आपको कैसा फील होता है? आप अच्छा फील करते हो उसके बारे में, आप बोलते हो यार ये बंदा मेरी जबान सीखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप उसको इनकरेज करते हो, उसकी बात समझते हो, उसको सही बताते हो, उसका मजाक नहीं उड़ाते हो आप। आपको पता है यार ये लर्नर है, अभी सीख रहा है, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी अगर आप किसी सही नेटिव स्पीकर से बात करेंगे, तो वो कभी भी आपकी ब्रोकन इंग्लिश का, या जो आप
खराब प्रोनाउंसिएशन उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, वो आपको इनकरेज करेगा, आपकी बात समझने की कोशिश करेगा। और मेरा ख्याल है लैंग्वेज का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आप कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, जो सही आपके आइडियाज हैं वो आपके जहन से दूसरे बंदे के जहन में मुंतकिल अगर हो रहे हैं, तो लैंग्वेज इज यू नो जस्ट वर्किंग फाइन, इट्स मोर देन परफेक्ट। ठीक। तो अब आप दूसरे के आइडियाज तो ले रहे हैं, सिर्फ अपने आइडियाज वहां तक पहुंचाने के लिए जाहिर है कि थोड़ा सा आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट अच्छा जोन से बाहर निकल के। सही। अच्छा ऐसा मैंने ऐसा एक लाइव एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत बहुत शानदार एक्सपीरियंस था वो लैंग्वेज को लेकर, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं था, वो पश्तो लैंग्वेज का था। तो एक्चुअली मैं लगता नहीं हूँ, लेकिन हम लोग पठान हैं, वालिद भी मेरे और अच्छा वालदा भी। गुड, तो हुआ ये था कि हमारी रिहाइश तो उर्दू स्पीकिंग एरिया में ही थी, पैदाइश भी वहीं थी, और हमारे घर के अंदर भी उर्दू ही बोली जाती थी, क्योंकि मेरी नानी बेसिकली इंडिया से थी ना, तो शी यूज टू स्पीक अच्छा उर्दू। तो अब हम लोग उर्दू स्पीकिंग ही करते थे। हाँ, हमने पश्तो सुन बहुत रखी थी, कोई रिश्तेदार के हम चले गए तो उन्होंने कह दी, या वो आ गए तो हमने सुन ली। अच्छा, लेकिन कभी बोलने का मुझे मौका नहीं मिला था। देन 19 साल का जब मैं था, तब तक मैंने कोई पश्तो बोली नहीं थी, और मैं 19 साल में तबलीग में जब निकला, तो किसी एक जगह हमारी हमें ऐसी जगह पर जाना हुआ जहाँ पर पूरे गांव में जो लोग थे उनमें से किसी को उर्दू नहीं आती थी, एक आध को बहुत टूटी फूटी। और इत्तेफाक से हमारी जो जमात में बच गए तमाम लोग थे वो सब सिर्फ उर्दू जानते थे। तो अच्छा अब गुड, वहां मैं बन गया उन दोनों के, 10 दिन थे हम तकरीबन उस इलाके में, तो मैं उन 10 दिन बन गया मेन मीडियम ट्रांसलेटर ऑफ कम्युनिकेशन ना, तो ट्रांसलेटर बन गुड। गया। अच्छा, मैंने जो बात ऑब्जर्व की कि उन 10 दिनों में जो मेरी पश्तो स्पीकिंग डेवलप हुई, इंप्रूव हुई वो है, शायद इम्प्रूव हुई, वो मेरे ख्याल है पूरे 19 साल में नहीं हुई थी। हाँ, जो जो लफ्ज सुन सही रखे थे, जो सुन रखे थे वो भी निकलने लगे बोलने में, और नए लफ्ज भी सीख लिए। लेकिन मैं मुझे सही लगता सर। है कि वो जो फैक्टर है वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ मेरे पास कोई अदर ऑप्शन था ही नहीं ना कि मैं पश्तो के अलावा कुछ और बोलूँ। और मुझे लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने में शायद हम सबको सबसे बड़ा हर्डल यही आता होगा, जो मुझे भी ऐसे, तो कि अपॉर्चुनिटी नहीं होती, क्योंकि अगर हम देखते हैं यार, हम उर्दू में ज़्यादा अच्छी बात कर सकते हैं और सामने उर्दू में बात कर रहे हैं, तो ये मुझे एक तो ये मुझे भी इसका एहसास है। लेकिन यार एहसन भाई, लोग मजाक भी उड़ाते हैं अगर हम जैसे जनरली बात करते हैं ना लोगों से, और या तो फिर लोग डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं और वो फिर समझते हैं कि यार ये शोशा कर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, या फिर बाज़ूकात जो हम जिससे बात करना चाह रहे हैं तो अब उसे जो है ना वो हम क्या नाम है, मैं बताना चाह रहा था कि हाँ, अब वो हो सकता है कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो बंदा ही ना समझ रहा हो असल में, मैं उस उर्दू में वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ, मैं उर्दू में ज़्यादा बेहतर समझा सकता हूँ, तो वाई चूज अ लैंग्वेज जो जो ऐसे ही। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोग, अच्छा ये एक लॉन्ग टर्म हर्डल है मेरे ख्याल में, तो हम अगर कोशिश भी करते हैं तो वो हम पता चले दूसरी चीज़ों का शिकार होगा, कोई हमें किस परसेप्शन से देख रहा है, या हम बात नहीं समझा पा रहे, हम कह भी रहे हैं तो सामने वाले को समझ नहीं आ रही। तो इज देयर एनी अदर वे अराउंड कि जिसके जरिए मैं क्या डायरेक्ट नेटिव स्पीकर से कनेक्ट हो सकूं और वहां मेरी मजबूरी बन जाए कि भाई इसको तो उर्दू समझ ही नहीं आती। जी सर, बहुत लंबा हो गया सवाल मेरा। नहीं देखें, मसला ये है कि हम जो लैंग्वेज को परसीव करते हैं ना, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और एक सुपीरियोरिटी की फीलिंग्स के साथ जो है इसको लेते हैं, कि अगर कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा है तो उसको बाकी अगर कुछ नहीं भी आता है ना, तो भी उसको हम एक पढ़ा लिखा आदमी समझेंगे, उसको एजुकेटेड आदमी समझेंगे, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट समझेंगे। इनफैक्ट सही कि अगर एक जैसे मैं बात करूं एज अ डॉक्टर, अगर मैं एज अ डॉक्टर इंग्लिश में एक लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ, तो बाकी डॉक्टर्स जो बेशक अपनी फील्ड में या अपनी स्किल के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंट होंगे, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, वो सब जो है ना एकदम से मेरे आगे इंफीरियर फील करने लगेंगे, वो खुद भी फील करने लगेंगे और बाकी लोग भी जो है ना उनको इंफीरियर फील कराने लगेंगे, कि आप जो है ना वो अच्छे डॉक्टर नहीं है, ये बंदा अच्छा डॉक्टर है। तो ये सही बेसिकली हमारा मसला है, सब कॉन्टिनेंट का मसला है, बल्कि थोड़ा बड़ा है, अरब वर्ल्ड के अंदर भी ये जो है ना वो कॉम्प्लेक्स है, कि हम जो जो भी बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश स्पीकर है, उसको हम वैल्यू देने लगते हैं। और शायद यही एक वजह है कि जिसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज की एक जो है ना वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस भी है। सही बाकी जो आपने बात करी कि
अगर मैसेज कम्युनिकेट करना है तो भाई मैसेज तो किसी जबान में भी कम्युनिकेट हो सकता था, इनफैक्ट बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट हो सकता था। अगर आप यूएई साइड पे जाएं तो वहां पे जो लोग एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं, कोई बंदा जो है वो फिलीपींस का होता है, कोई थाईलैंड का होता है, कोई कहीं का होता है, उनकी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन वो भी आपस में किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट कर ही लेते हैं सही, बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू, या मतलब साइन लैंग्वेज टूटी के फूटी थ्रू। जो जबान दूसरे की आती है, वॉट एवर, किसी ना किसी तरीके से अपनी बात जो है वो कम्युनिकेट कर देते हैं। और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ना वो वहाँ पे चल रहे होते हैं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो फिर आखिर में आपने बोला, आखिरी सेक्शन जो था आपके सवाल का, कि ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है हमारी कि हम जो है वो उस जबान को बोलने पे मजबूर हो जाएं। तो सर आजकल आपके पास जो है ना वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, इस वक्त भी हम फेसबुक पे लाइव हैं, सही, तो फेसबुक पे आप ऐसे लोगों को ऐड कर सकते हैं जो कि नेटिव स्पीकर्स हैं, जिनको उर्दू नहीं आती, उनसे जब आप बात करने की कोशिश करेंगे या इंटरव्यू उनका करने की कोशिश करेंगे तो आप मजबूर होंगे उस वक्त में आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। और मेरा भी गालबन पहला एक्सपीरियंस जो था ना, यानी कि इंग्लिश मेरी डेवलप हो गई थी अच्छी खासी और मैं बोल भी लेता था, लेकिन क्लास में जाके जो ना मुझे भी यही फील होता था कि अगर मैं इस वक्त उर्दू में बात करूंगा तो शायद मैं अपना सब्जेक्ट मैटर जो है वो ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर सकूं। तो काफ़ी अरसे तक ये प्रॉब्लम चलती रही, फिर एक दफ़ा रेहान अल्लाहवाला साहब के तवसुत से एक अंग्रेज का जो है ना वो, मतलब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, मेरे जहन से नाम निकल गया उनका, खैर वो इंटरव्यू इंशाल्लाह फेसबुक पर पड़ा होगा कहीं ना कहीं। तो जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया ना तो बहुत सारे, मतलब एक पूरा बेस्ट 500 म्यूचुअल फंड एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा कुछ ना कुछ, तो जी उसमें मुख्तलिफ लोगों को बुला के उन्होंने जो ना इंटरव्यू किया, तो उसमें मैं भी वहां पे था। तो जब मेरा इंटरव्यू किया ना तो मेरी इंग्लिश जो थी वो, मैं काफी फ्लुएंट था उस दिन, मुझे भी फील हुआ और बाकी लोगों को भी फील हुआ कि यार ये बंदा जो है ना इसको कुछ आता है। सही, तो हुलिया तो अजीब सा ही ऐसे ही, मतलब दाढ़ी टोपी वाला और ये वो था, लेकिन जो है उस दिन जो है ना वो बात मेरे ऊपर भी खुल गई और बाकी लोगों के ऊपर भी खुल गई कि यार अगर आपके ऊपर कोई सिचुएशन आती है तो बात करने में कोई मसला नहीं होता, आप बहुत अच्छा बहुत इजीली कम्युनिकेट कर लेते हो। तो काफी कॉन्फिडेंस वहां से डेवलप हुआ। तो जो पॉलीग्लॉट्स की मैं शुरू में बात कर रहा था, टेड पे भी आपको बहुत सारे पॉलीग्लॉट मिल जाएंगे, वो भी यही करते हैं बेसिकली कि सोशल मीडिया के थ्रू उस जबान के जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। इवन कुछ जो है उन्होंने उर्दू अरबी फारसी पश्तो तक जो है ना वो इवन प्रैक्टिस करी हुई है और उसके अंदर जो है वो अपना जो बेसिक कम्युनिकेशन होती है वो कर लेते हैं उसके अंदर। सही। और नई जबान सीखने के बहुत सारे फायदे हैं, आपको उसका कल्चर का पता चलता है और बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो वो सीखने का जो तरीका वो लोग इख्तियार करते हैं वो यही इख्तियार करते हैं कि वो लोग उस जबान के जानने वालों के साथ दोस्ती करते हैं और फिर उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता करके वो लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप देखें, अभी मैं थोड़ी देर पहले ये गौर कर रहा था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ, अभी तरावी पढ़ा के फारिग हुआ हूँ, अरबी में मैं बहुत फ्लुएंट हूँ, लेकिन कभी मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है ना, मुझे अच्छी खासी समझ में भी आती है, कभी मैंने किसी नेटिव स्पीकर से बात करके उस अरबी को अपने प्रैक्टिस में लाने की कोशिश नहीं करी। तो सही, हमारी इंग्लिश के साथ भी ना काफी मसला यही है यार, हम बहुत अच्छी समझ लेते हैं, बहुत मतलब पता नहीं ग्रामर के कितने रूल्स हमें पता होते हैं, वोकैबुलरी हमारी बहुत अच्छी डेवलप्ड हो गई होती है, लेकिन चूंकि हमने कभी किसी से बात करने की कोशिश नहीं करी इसलिए हमारा वो जो लैंग्वेज बैरियर है ना वो बरकरार रहता है। तो ये जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का सही, कोर्स है फास्ट इंस्टीट्यूट का, इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि बात करने पे ना लोगों को मजबूर करें, उनके इंटरव्यूज कराते हैं जिस तरीके से अभी हम कर सही। रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह एक मेरा और इंटरव्यू है वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ही है। तो लोगों को मजबूर करते हैं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें और उनकी वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं मुख्तलिफ ना, कि भाई आप अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करके सही दें, अपनी वीडियो सीवी बनाइए और अपने जो ओपिनियन है, कोई आपने चीज देखी उसके बारे में जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो ओपिनियंस हैं वो रिकॉर्ड करके इंग्लिश में भेजें। तो इस तरीके से आहिस्ता 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 करके ना उसका हौसला खुलने लगता है, फिर जब उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तो वो चीजें हम पोस्ट करने लगते हैं फेसबुक पे। शुरू में तो ग्रुप में पोस्ट करते हैं सही अपने, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसको इस लेवल पे ले आते हैं कि वो ओपनली फेसबुक पे पोस्ट करना शुरू कर दे। एक दफा जब बंदा सामने आ जाता है ना, लोग उसको इंग्लिश बोलते हुए देख लेते हैं तो दूसरे लोगों का एक जो परसेप्शन होता है ना वो भी खत्म हो जाता है, फिर वो भी उससे बात करने के काबिल हो जाते हैं। वरना आपने सही सही कहा कि अगर मैं कहीं पे जाके अचानक से मैं इंग्लिश में बात करना शुरू कर दूं तो वो एक तरह का जो है ना क्या कहना चाहिए कि एक इस तरह की फीलिंग डेवलप हो जाती है कि आप दूसरे बंदे को दबा रहे हैं। और बहरहाल सही ये भी एक एडवांटेज है, मुझे ऑफिस में अगर कभी इस किस्म की मतलब यहाँ पे पता नहीं ये बात करनी नहीं चाहिए लाइव फेसबुक पे, कि बहरहाल अगर कभी मसला आ जाए ना आपको कि आप किसी सिचुएशन में फंस जाए तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, तो
ज्यादातर केसेस में आपको पता होता है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, वो आपसे बहस नहीं कर सकेंगे फिर। अगर आप इंग्लिश बोल रहे होंगे तो वो आपसे बहस नहीं साइकोलॉजिकल करेंगे, प्रेशर, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पैदा हो जाएगा, और उनके पास अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी होंगे तो वो प्रेजेंट नहीं करेंगे, वो चुप हो जाएंगे और बोलेंगे हाँ ठीक है जी, आपको फंड रिलीज कराना है, कुछ भी कराना है। बहुत सारी चीजें इस किस्म की हैं कि आप जो है ना वो मुश्किल सिचुएशंस में से निकल सकते हैं इंग्लिश बोल के, कम से कम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब वर्ल्ड के अंदर अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप काफी मुश्किल सिचुएशंस में से निकल सकते हैं, सही। क्योंकि लोग अच्छा एकदम ऐसा से प्रेशर में आ जाते हैं। मैं ना अब ज़रा हाउ पे आपके सामने कुछ सवालात रखूंगा, जो जी, मेरे भी कुछ यानी समझे कंफ्यूजन्स हैं या कुछ जहन में सवाल है। एक तो होता है कि एक इंसान वो होता है जो लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स, इसमें भी सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ, वो डेवलप कर रहा है एज अ स्टूडेंट, तो वो कोई सेंटर ज्वाइन कर लेता है, ठीक है ना, वो वहाँ पे जाके, अब एक तो अच्छा उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस का भी इशू है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा फिर दूसरी साइड पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्फिडेंस का इशू नहीं है, जैसे वो उर्दू में सबसे बात भी कर रहे हैं, उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग भी की है उर्दू में, ठीक है ना, लेकिन उनको पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर इशू है। ये मैंने दो इशूज़ की बात की। एक तो मुझे पता है कि जब आप लोग स्टूडेंट्स को लेकर चल रहे होते तो आपको पता होता है यार इसका आधा मसला तो कॉन्फिडेंस का है और आधा शायद लैंग्वेज का है, लेकिन एक साइड पे दूसरा बंदा आता है, लेट सपोज मैं आता हूँ आपके पास, अब मैं आपसे कहता हूँ यार मुझे बोलने की टेंशन नहीं है, मुझे क्लास में बुलवा लें, स्टेज पे बुलवा लें, लाइव बुलवा लें, मुझे बोलने का इशू नहीं है, बट मुझे पर्टिकुलरली अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। एक तो ये इन दो लोगों के दरमियान इन दोनों लोगों को का लर्निंग प्रेस क्या होगा, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लिए क्या लर्निंग प्लान बनाऊँ, और अगर वो स्टूडेंट है जो हमें अभी देख रहा है या बाद में देखेगा इस वीडियो को और वो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस का इशू है, वो स्कूल का या कॉलेज का स्टूडेंट है, वो अपने लिए क्या लर्निंग पेस बनाए जो कि सेल्फ सेल्फ पेस्ड हो, यानी वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा है, वो क्या तरीके का इख्तियार करें। जी सर, देखें, पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया में शायद पांचवा बड़ा मुल्क है उन लोगों का जो इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी कि इंग्लिश स्पीकर्स में जो आबादी के हिसाब से काउंट होते हैं, पाकिस्तान दुनिया में पांचवें नंबर पे। तो सही हमारे अक्सर लोग जो है ना वो इंग्लिश बोल सकते हैं और बहुत अच्छी समझ सकते हैं। सही तो मसला जो है ना वो जो मेरा अपना अभी तक का की ऑब्जर्वेशन है वो ये कि मसला घूम फिर के कॉन्फिडेंस का ही है। ठीक है, हम लोग ये समझते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती इसलिए हम नहीं बोलते, हालांकि हमारी इंग्लिश जो है ना वो बहुत सो से अच्छी है, और जिस तरह वो कहते हैं ना कि अरब से अच्छी अरबी जो है वो हमारे उलमा की होती है, क्योंकि उनका सही तलफ्फुज़ और उनकी ग्रामर स्ट्रांग होती है, और उन्होंने तो काफ़ी मतलब उसकी शक्ल बिगाड़ दी। तो यही बिल्कुल केस अंग्रेज़ों के साथ भी है, क्यों वो जब इंग्लिश में बात करते हैं ना तो उन्होंने काफ़ी सारे ग्रामर्स के रूल जो है उन्होंने वायलेट कर देते हैं, और उनके पास नेटिव स्पीकर्स का लाइसेंस होता है कि भाई मेरी जबान है उर्दू, मैं जैसे दिल चाहे जो नया लफ्ज दिल चाहे ऐड कर दूं या जो भी। सही, मैं कराची कर तो दूं जब मेरी जबान। हाँ मेरी जबान है भाई, मैं जो बोलूंगा वो सही होगा, तो यही लाइसेंस जो है वो इंग्लिश स्पीकर्स नेटिव स्पीकर्स के पास भी होता है। तो जब आप एज अ नॉन नेटिव स्पीकर इंग्लिश बोलते हो तो आप बहुत बेहतर बोलते हो, ग्रामर का बहुत अच्छा ख्याल रखते हो, आपकी वोकेबलरी भी बहुत डेवलप्ड होती है, और आपका एक्सेंट भी जो होता है ना वो काफी आपने एक्सेंट सुने हुए होते हैं जो एक नेटिव स्पीकर होता है। जैसे उर्दू की अगर हम बात करें तो मेरा एक स्पेसिफिक एक्सेंट है जो मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उसी में मैं बात करता हूँ। इंग्लिश में हमने काफी सारे एक्सेंट सुने होते हैं, हम हर एक्सेंट वाले की बात समझ भी लेते हैं और उसको डिलीवर भी कर लेते हैं। सही तो जो कोई स्टूडेंट अगर आता है ना तो सबसे पहले तो उसको ये समझना चाहिए कि उसको इंग्लिश आती है। ठीक है, हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो इतना बुरा नहीं है, हम जब अगर कोई बच्चा मैट्रिक तक भी पढ़ता है, वरना अक्सर केसेस तो मेरे पास इस किस्म के आते हैं कि ग्रेजुएशन मास्टर्स तक के आ जाते हैं, तो ग्रेजुएशन मास्टर्स तक करने के बाद इवन कुछ लोगों का मुझे जो है ना वो यहाँ तक फील हुआ कि वो एमफिल प्रोग्राम्स में इनरोल्ड थे और वो अपनी इंग्लिश को लेके इनसिक्योर थे। तो ऐसे सब लोगों का मसला जो है ना बेसिकली कॉन्फिडेंस का ही है। घूम फिर के इंग्लिश सबको बहुत अच्छी आती है, जब आप 15 साल 16 साल आप इंग्लिश में कोई चीज पढ़ के आ रहे हो, आप इतनी सारी किताबें पढ़ चुके हो इंग्लिश के अंदर, ठीक है, इतने सारे लोगों के साथ टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर चुके हो, तो इंग्लिश का आपका प्रॉब्लम है नहीं, वो सिर्फ एक मेंटल बैरियर बना हुआ है। जिस दिन आप उस बैरियर को अबूर कर लोगे उस दिन आपका मसला हल हो जाएगा, और वो मेंटल ठीक बैरियर अबूर इसी तरीके से होगा कि आपने जो है वो नेटिव स्पीकर से बात करनी शुरू कर देंगे। जिस दिन आपने दो चार से बात कर ली
आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये तो कोई मसले की बात है ही नहीं। सही। अच्छा तो बस इतना सा गेम है, बाकी स्किल अगर आपकी डेवलप नहीं है और आपको लगता है कि यार आपको मजीद सीखने की जरूरत है, वो हम शुरू में बात कर चुके हैं कि टेड टॉक या कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद है, इंग्लिश में आप सुने उसको, तो आपकी इंशाल्लाह लिसनिंग स्किल्स जो है, स्पीकिंग स्किल्स जो है, वो डेवलप हो जाएंगी। सीक्रेट फार्मूला सिर्फ इतना सही है, इफ यू वांट टू डेवलप योर स्पीकिंग स्किल्स यू नीड टू लिसन, इफ यू वांट टू डेवलप योर राइटिंग स्किल्स यू नीड टू रीड, दैट्स इट। सही। अच्छा अहसन भाई, मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात आप इस पे भी कर लें कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर, जैसे उर्दू में हमें नहीं पता कि काफिया क्या होता है, और पता नहीं स्कूल लाइफ में कभी कुछ पढ़ा होगा ग्रामर का, लेकिन हम उर्दू को एज अ लैंग्वेज लेते हैं ना, और हम टेंशन नहीं लेते कि हम ग्रामेटिकली ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, और बिल्कुल नेटिव स्पीकर है तो बहुत जगह पे हम गलत भी बोलते हैं। अच्छा इंग्लिश को हम इतना हवा क्यों बना लेते हैं? एक तो वो तो आपने बता दिया कि कॉन्फिडेंस की वो है, तो उसको यानी इन शॉर्ट बिल्कुल क्लियर कट सवाल कि अगर ग्रामर के रूल्स को सीखे बगैर क्या मैं सिर्फ टेड टॉक सुन के और नेटिव स्पीकर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करके अगर मैं सीखना चाहूँ तो मुझे रोजाना कितने आवर्स लगाने पड़ेंगे, और कितने ड्यूरेशन में मैं कुछ अंग्रेजी में बात करने के काबिल हो जाऊंगा, या मुझे ग्रामर के रूल्स को समझना है जनाब? देखें, ग्रामर बेसिकली जबान को सीखने के ना दो तरीके हैं। एक कहलाता है ग्रामर वाला मेथड, कि आप ग्रामर में स्किल्स डेवलप करें और जो है आपको बहुत अच्छा अंदाजा हो कि नाउन्स क्या है, प्रोनाउन्स क्या है, किसी जुमले को बनाने के लिए पहले मैं सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में क्या चीजें मैं लगाऊंगा, फिर वर्ब होगी। लेकिन होता यह कि जब आप बोलते हैं ना, तो बोलने के अंदर ना ग्रामर का कोई रोल होता नहीं है। अगर आप ग्रामर को सोच के बोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत मसला हो जाएगा, प्रोसेस करते हैं तो बहुत लेट हो यानी जाता कि है ना, आप बोल रहे होते। बहुत लेट हो जाता है। हाँ, आप यानी कि वो बेसिकली आप ट्रांसलेशन मेथड से चल रहे होते हो। आप पहले उर्दू में जुमला बनाओगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, फिर बात करोगे, इतनी देर में बंदा बात आगे निकल जाएगी। तो दो तरीके जैसे मैंने बात करी ना सीखने की, तो हमारे यहाँ जो सारा का सारा फोकस चल रहा है ना पूरे एकेडमिक सिस्टम्स के अंदर, वो चल रहा है ग्रामर मेथड का, अनफॉर्चुनेटली। और ग्रामर आपके ऑब्वियसली काम आती है जब आप लिखते हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना उस वक्त आपकी ग्रामर मैटर करती है, जब आप बोलते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो हमारे पठान भाई हैं, अब आपने अपना जिक्र कर ही दिया, पठान भाई हैं, जब वो किसी मुजक्कर मोअन्नस में उर्दू में गलती कर देते हैं तो लोग इतना बुरा नहीं मानते उनको। इसी तरीके से इंग्लिश में भी अगर आप बोलने में कोई चीज गलत बोल भी जाए ना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे। जिस तरीके से आपने उर्दू सीखी है, बेसिकली जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज, मदर टंग है आपकी, उसको सीखने के लिए आपने कोई ग्रामर इस्तेमाल नहीं करी। ठीक है, आपने आपको एक चीज नजर आई और इसका नाम बताया गया, जी ये पेन है। ठीक है ना, आपने इस इमेज को एक साउंड के साथ एसोसिएट करके अपने दिमाग में रख लिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप आगे जुमले बनाते चले गए, तो उसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं थी। सही ठीक है, अब ये एक कोम्ब है। ठीक है, तो मैं ये बोलूं कि ये कोम जो है उर्दू में, जब आपको पहली दफा ये दिखाया गया तो बोला कि ये कंगा है। ठीक है, आपने इस इमेज को एसोसिएट कर लिया अपने दिमाग में एक वर्ड के साथ, दैट्स इट। उसमें कोई ट्रांसलेशन मेथड नहीं आया, कोई ग्रामर नहीं आई, कोई चीज नहीं आई। आपने चीज देखी और उसको एसोसिएट कर लिया, कोई बात सुनी, कोई गेस्चर सुना, उससे रिलेट। ये जब मिलते हैं लोग पहली दफा तो सलाम करते हैं, फिर बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, इस तरह की बात करते हैं। तो ये आपने जोड़ लिया कि यार ये जो है ना, जब मिलेंगे तो हाल चाल तो पूछा जाएगा, वो इन जुमलों से इस तरीके से पूछा जाएगा। तो सुनने से ना आपकी जो डेवलप होती है लैंग्वेज, वो इस तरीके से होती है कि उसमें ग्रामर का ना इतना ज्यादा रूल नहीं रहता। अब हाउ वॉज योर डे एंड हाउ आर यू के अंदर आपने कोई ग्रामर नहीं सोची कि यार मुझे पहले जो है ना वो क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद जो है वो वर्ब होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो वर्ब पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में होता है, ये सब चीज आप नहीं सोच रहे होते जब आप हाउ आर यू बोलते हैं तो। ठीक है, वो सही। एक अंदर से ही निकल रहा होता है, जिस तरीके से उर्दू में हम बात करते हैं। तो ग्रामर वाली जो इंग्लिश है ना, वो जब आप कोई टेक्निकल लेटर लिख रहे हो, जब आप किसी को कोई क्या कहते हैं अपना ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हो कहीं पे, तो उसके अंदर आपकी ग्रामर की वैल्यू होती है। बहरहाल ग्रामर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार चीज है, वहां पे जाके आपकी ग्रामर की वैल्यू होती है। क्योंकि अगर आपने वहां पे कोई ग्रामर में ब्लेंडर कर दिया, तो हो सकता है कि मैसेज भी सही कम्युनिकेट ना हो, क्योंकि रिटन के अंदर एक बहुत
अहम चीज मिसिंग होती है, बॉडी लैंग्वेज। जब आप बात कर रहे होते हैं ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है उसके अंदर सही बोलने में, लेकिन लिखने में आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने नहीं होती। तो उस वक्त ग्रामर की अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो मैं गुस्से से कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, वो मैं अपने लफ्जों से ही वहां पे वाजे करूंगा। तो वहां पे ग्रामर की अहमियत बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं और स्पीकिंग स्किल्स की बात करें, तो उस वक्त ग्रामर की वैल्यू जो है वो बहुत कम है, मेरे ख्याल में ना होने के बराबर है। आप बगैर ग्रामर के आसानी से अपनी इंग्लिश मतलब स्पीकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं और कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जब आप कंटेंट राइटिंग या इस तरह की कोई सीरियस चीज की बात करेंगे, तो फिर वहां पे ऑब्वियसली आपको, या आपको जो आपके एकेडमिक एग्जाम्स हैं, नाइन मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन इवन मास्टर्स तक, आपको जो है वो वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश के पेपर के अंदर एक ग्रामर का पोर्शन होगा, वो आपको अटेम्प्ट करना होगा। वरना बहुत सारी चीज़ें जो आप ग्रामर में पढ़ेंगे, अब टेंस की अगर हम बात कर लें, तो ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये मैंने कभी स्पोकन इंग्लिश में नहीं सुना। हो सकता है मेरी नज़र से ना गुजरा हो, या उसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक्टिव पैसिव पे इतना जोर लगा देते हैं, एक्टिव पैसिव की अहमियत कोई ऐसी खास नहीं है। सिर्फ हम जब हमें ये बात करनी होती है कि यार हमें ये नहीं बताना कि कौन काम करने वाला है, तो उस वक्त हम कोई पैसिव जुमला इस्तेमाल कर लेते हैं वहां पे, या किसी ने बोला तो आप समझ लें। एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने का कोई स्पोकन इंग्लिश में काम नहीं है। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए आपको कुछ चीजें सीखने की जरूरत है, बाकी ग्रामर की मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है स्पोकन इंग्लिश में। सही, ठीक है। अच्छा एहसन भाई, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा था कि नेटिव स्पीकर से लोग कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपकी कोई रेगुलर बेसिस पे कोई ऐसा सिस्टम होता है कि आप लाइव लोगों से चैट करें व्हाट्सएप पे या जो है ना जूम पे कॉल या फेसबुक पे लाइव? तो ऐसी कोई रेगुलर अपॉर्चुनिटी है या कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो क्या, यानी अगर अगर तो ऑलरेडी आप अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं तो आप उसमें कोई भी जैसे मैच ज्वाइन करना चाहें या कोई भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना चाहे और वो सिर्फ 10-15 मिनट, तो ऐसा कोई रेगुलर टाइम है? देखिए, नेटिव स्पीकर्स का गेम ये है कि जब आप नहीं, नेटिव मैं स्पीकर, आप नेटिव की किसी बात नहीं कर रहा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ अगर अगर किसी को नेटिव स्पीकर अवेलेबल ना हो वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहे, तो क्या आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई पर्टिकुलर टाइम में कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें कोई और भी ज्वाइन कर सकता है? इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल हो सकती है। अभी तक हमने इस पे इतना गौर नहीं किया, क्योंकि जो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, आमतौर पे वो थोड़ा सा शाय होते हैं और वो थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं अगर कोई तीसरा बंदा भी कन्वर्सेशन में इंटर हो जाए। तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको पहले ना एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पे वो उनको थोड़ा सा खुलने का मौका मिले, वो अपना अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो कुछ गेन कर सके वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स के साथ तो नहीं, हाँ वैसे इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे टाइम लेके या जब भी मौका हो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ इस काम के लिए। बाकी स्टूडेंट्स को हम जो है ना वो इस तरह ग्रुप चैट्स के अंदर जो है ना वो आमतौर पे इंक्लूड नहीं करते, उसकी वजह मैंने आपको बताई कि थोड़ा सा जो है ना वो शुरू में शाय होते हैं। बहुत सारे लोग जो मुझे शुरू में वीडियोस बना के भेजते हैं, अभी मेरे करंट इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स भी हैं, वो वीडियोस बना के भेजते हैं मुझे और कहते हैं कि सर इसको पोस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि सही, वो नहीं चाहते कि कोई उनको इंग्लिश बोलते हुए देखे। बहुत सारे लोगों का जो है ना वो मतलब जो मैंने बताया ना, मेंटल बैरियर जो है वो इस किस्म का होता है, वो अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहते कि उनको इंग्लिश आती है। तो ये आहिस्ता सही, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हम ब्रेक करते हैं। बाकी मैंने सही, बताया कि फेसबुक पे इंशाल्लाह आपको जो नेटिव स्पीकर आप ढूंढना चाहें, जब आप देखने जाएंगे यूके यूएस नेशनल, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे आधे से ज्यादा पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, आधे से ज्यादा क्या मतलब बहुत बड़ी तादाद में। सऊदीया मेरा जाना हुआ और मेरे कुछ दोस्तों का भी जाना हुआ, तो वहां पे जो स्कूल्स के अंदर जो नेटिव स्पीकर रखे हुए उन्होंने, कि भाई ये हमने इंग्लैंड के टीचर्स रखे हुए, इस्लामिक स्कूल्स का विजिट हुआ था हमारा सऊदीया में, तो जो नेटिव स्पीकर्स उन्होंने रखे हुए थे, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई नेटिव स्पीकर से, तो वो सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी थे बेसिकली। उन्होंने वहां की नेशनैलिटी ले ली थी, यानी कि यूएसए की नेशनैलिटी थी, किसी के पास ऑस्ट्रेलिया की थी, किसी के पास न्यूजीलैंड की थी, और उस नेशनैलिटी को लेके वो सऊदी आ गए और उस नेशनैलिटी के बेस पे वहां पे एज अ नेटिव इंग्लिश टीचर जो है वो काम कर रहे थे। और मेरे भी काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जो ये काम कर रहे हैं, यानी कि उनके पास यूके की नेशनैलिटी है और वो सऊदीया में या यूएई में या बहरीन में मुख्तलिफ जगहों पे एज एन इंग्लिश टीचर जो है वो सर्व कर रहे हैं। तो नेटिव स्पीकर जब आप देखने जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे भी बहुत बड़ी तादाद, उन बेचारों की पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से श्रिंक हो रही है। तो
तो बहुत ज्यादा सही पॉपुलेशन जो है ना वो वहाँ पे इमिग्रेंट्स की होती है, जो कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी उसमें बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, असल में तो एक उन लास्ट सवाल है, वो ये है कि जैसे इंडियंस हैं, अब इंडियंस ने अपना ही एक एक्सेंट डेवलप कर लिया, जैसे एक एक यूएस है, एक यूके, जो बिल्कुल कि यानी इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन और अक्सर जगहों पे ऐसा है, यानी आप किसी यूरोपियन से बैठ के सुनेंगे इंग्लिश तो आपको वो अपनी यानी बहुत एक्सेंट का डिफरेंस नजर आएगा। अच्छा, हम लोग यानी इवन पाकिस्तान में हमने कोई अपना पर्टिकुलर एक्सेंट डेवलप नहीं किया, हमारे यहाँ हम यानी या तो ब्रिटिश को फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं या अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो जैसे इंडियंस है ना, नाउ दे आर कंफर्टेबल, और शाहरुख खान भी बोल रहा होगा तो वो उसको पता है कि यार ये ना मैं अमेरिकन को कॉपी कर रहा हूँ ना ब्रिटिश को कॉपी कर रहा हूँ, ये इंडियन एक्सेंट है, तो वो सही। बहुत से लफ्ज में बोल देगा। ये इस बैरियर को आप पहले तो आपकी इस पे राय क्या है कि क्या पाकिस्तानियों को ये एक्सेंट को फॉलो ही करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक्सेंट मैटर करता है, ये मैंने देखा है बहुत सी जगहों पे। आप सही इंग्लिश भी बोल रहे होंगे ना, लेकिन आपका चूंकि वो मुंह टेढ़ा नहीं होगा या वो एक्सेंट नहीं निकलेगा ना जब तक वो वाला, तो वो आपको वो इज्जत मिलती ही नहीं है। इस पे थोड़ा सा बताइएगा कि एक तो आपकी राय क्या है, और चूंकि फिर बताएं कि एक्सेंट कैसे डेवलप होगा जनाब। देखिए एक्सेंट तो जो ना बेसिकली ये नेचुरली आता है, इसका कोई डेवलप करने का कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है। और इंडियंस जो है ना वो मतलब पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप देखेंगे खाली 1.2 बिलियन के करीब उनकी पॉपुलेशन है। तो दुनिया की अगर चाइना इंडिया को मिला लें तो इतने लोग चाइना इंडिया में रहते हैं जितने बाकी पूरी दुनिया में नहीं रहते, या उसके बराबर बराबर। तो इन ये लोग सारे लोग अगर एक चीज से मुत्तफिक हो जाएं और एक एक्सेंट पे मुत्तफिक हो जाएं, उससे बात करने लगे, तो वो एक चीज जो है मुस्तनद बन जाएगी ऑब्वियसली। बाकी जो एक्सेंट है ना वो मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ चीजों की वजह से है। अगर आप पीछे ट्रेस करें, जैसे यूके का जो है उनका उनके यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो वो जब बात करते हैं उनके मुंह से थोड़ा सा जो है ना वो हवा ज्यादा निकलती है, अगर आप उनका एक्सेंट ट्राई करें ना। या वो किसी ने मुझे बोला था कि अगर आप किसी यूके के बंदे से बात करें तो वो इस तरह होता है कि वो फाइव दे टॉक लाइक दिस, दे ऑल हैव फाइव इन देयर माउथ एंड दे स्पीक लाइक दिस। तो ये अगर आपने यूके का एक्सेंट बनाना है तो वो एक हैक उसने मुझे दिया था, जस्ट पुट समथिंग इन योर माउथ जस्ट लाइक फाइव और समथिंग एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग ब्रिटिश, दैट्स इट। तो उन हर जगह का ना अपना अपना एक वो है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियंस हैं, ऑस्ट्रेलियंस का जो बैकग्राउंड है वो इस तरह के, वहां पे जो है ना थोड़े से क्या कहना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो इब्तदा है वो इस तरीके से कि यूके वाले अपने जो क्रिमिनल्स थे उनको बेसिकली ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट करते थे। तो वहां के जो लोग हैं ना थोड़े से अक्खड़ मिजाज किस्म के, और मतलब थोड़ा सा रफ किस्म का उनका लहजा होता है, तो वो उस स्टाइल में बात करते हैं और वही चीज उनके एक्सेंट में नजर भी आती है। और इंडियंस का कि हमने बात कर ली, अमेरिकन का जो एक्सेंट है वो आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा चल रहा है वो अमेरिकन एक्सेंट चल रहा है, अमेरिकन एक्सेंट चल रहा है। और अमेरिकन एक्सेंट चलने की बहुत बड़ी वजह जो है वो उनकी मूवीज हैं, हॉलीवुड है, क्योंकि जितनी भी मूवीज दुनिया में देखी जा रही हैं वो हॉलीवुड से आ रही हैं, और हॉलीवुड जो है वो अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो कर रहा है, तो वो अमेरिकन एक्सेंट जो है वो पूरी दुनिया में राइज हो गया। इवन अब ब्रिटिशर्स को भी थोड़ा सा फील होता है क्योंकि वो पॉपुलेशन उनकी श्रिंक हो रही है, अब ब्रिटिश एक्सेंट में बात करने वाले या ब्रिटिश इंग्लिश में बात करने वाले लोग कम हो गए हैं। बहुत पाकिस्तानी जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश को और ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करने की बिल्कुल कोशिश करते हैं, जैसे आपने बताया। तो उसकी वजह ये थी कि ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पे बहुत अरसे तक हुकूमत करके गए हैं, अभी भी उनकी बहुत सारी जो है यादगारें हमारे पास मौजूद हैं। हम वजन, केक का वजन, बच्चे का वजन जो है वो अभी भी पाउंड में करते हैं, कपड़ा गज में नापते हैं और फासला मील में बताते हैं। ये सारे जो यूनिट्स हैं वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के यूनिट्स हैं, और अमेरिकन जो हैं वो सब ऐसा यूनिट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मीटर इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो अमेरिकन एक्सेंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल होता है, और उसकी रीज़न मैंने बताया कि आपको जो मूवीज़ की वजह से है, और अमेरिका की वैसे भी डोमिनेंस है पूरी दुनिया पे एज अ सुपर पावर। तो पाकिस्तानियों को कौन सा एक्सेंट फॉलो करना चाहिए? पाकिस्तानियों को जो नेचुरल एक्सेंट बनता है ना वो बहुत करीब बनता है बेसिकली इंडियंस के ही। तो अगर आप बात करते हैं इंडियन एक्सेंट से तो कोई मसला नहीं है, आपको इंडिया के साथ जम करके चला लिया जाता है।
और अगर आप कोई एक्सेंट डेवलप करना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी से आप अमेरिकन एक्सेंट डेवलप कर सकते हैं। और उसको डेवलप करने के लिए आपको जाहिर है कि अमेरिकन के साथ जो है वो थोड़ा बातचीत करनी पड़ेगी, कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी उनके साथ। हमने शुरू में टेड टॉक्स की बात करी, और ये जो आपके पास मोबाइल फोन्स हैं ये भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम की एक टिप है, मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ आपके साथ, उम्मीद है लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। कि ये जो आपके मोबाइल फोन्स हैं इसके अंदर एक फीचर होता है वॉइस टू टेक्स्ट, ठीक है? आप अगर अपना कीबोर्ड खोलें व्हाट्सएप पे जाके, तो आपके राइट पे या लेफ्ट पे कहीं पे एक ग्रे कलर का माइक बना हुआ आ रहा होता है, वो अगर आप दबा के आप बात करें इंग्लिश में, हाउ आर यू, हाउ इज योर डे, तो वो आपकी जो आप बोलेंगे ना वो उसको वो टाइप कर देगा। तो जैसे ही आपका एक्सेंट बेहतर होता जाएगा ना जितना, वो उतना अच्छा जो है वो टाइप करना शुरू कर देगा, और बुनियादी तौर पे वो अमेरिकन एक्सेंट को ही लेके चल रहा होता है। फिर वो बाद में आपके एक्सेंट को अडेप्ट करने लगता है, लेकिन शुरू में वो अमेरिकन एक्सेंट से ही शुरू होता है कि भाई आपको कंसिडर करता है कि आप एक अमेरिकन नेशनल हो और आप जो है वो वॉइस टाइपिंग करना चाह रहे हो। तो जब आप बोलना शुरू करेंगे अमेरिकन इंग्लिश सुन के, आप उसमें टाइप करने की कोशिश करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपका अमेरिकन एक्सेंट और प्रोनंसिएशन बेसिकली आपकी जो है वो डेवलप हो जाएगी। मेरा ख्याल है एक्सेंट से ज्यादा अहमियत जो है ना वो प्रोनंसिएशन की है। अगर प्रोनंसिएशन आपकी सही है चीज़ों की, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका जो है वो कहीं पाकिस्तान में भी कोई जो है वो मजाक उड़ाएगा। और एक्सेंट फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ, यानी कि एक्सेंट जो है वो थोड़ी आगे की चीज़ है। आप किसी भी जबान को अगर सीखते हैं तो शुरू में एक्सेंट की वैल्यू नहीं होती, एक्सेंट आगे जाके थोड़ा जो है ना वो डेवलप होता है और आसानी से चेंज नहीं होता। जैसे अगर उर्दू का मेरा कोई एक्सेंट डेवलप हो गया, जैसे हमने शुरू में बात करी, और अब मैं अगर देखता हूँ कि कोई बिहारी मेरा दोस्त है या कोई लखनऊ का है, तो वो किसी और लहजे में बात कर रहा है, तो मुझे अजीब तो लगेगा या अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, लेकिन मैं उसको इतनी आसानी से कॉपी नहीं कर सकूंगा। तो सही, लैंग्वेजेस में एक्सेंट जो है ना वो वक्त के साथ साथ डेवलप होता है। ठीक है। अच्छा एहसन भाई, जो आपने मुझे बताया था कि आपका एक एक अदद आपने कोर्स डेवलप किया है, जो कि ट्रेडिशनल ऑनलाइन कोर्सेज की तरह नहीं है कि उसमें जस्ट वीडियोस हों, वो आप वन टू वन लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, और यानी टिल रोज़ाना की बेसिस पे इंटरेक्शन होता है, या क्या प्रोसीजर है? अगर वो पूरा एक आप हमें बता दें कि अगर जैसे मैं उस कोर्स को में इनरोल होना चाहूँगा या कोई स्टूडेंट इनरोल होना चाहेगा, तो वो क्या प्रोसीजर है? क्योंकि वो ना तो किसी को आपके पास आना है, जो जितना मेरा थोड़ा सा आपसे डिस्कशन हुआ था, और ना ही वो बिल्कुल ट्रेडिशनल ऑनलाइन कोर्सेज की तरह के जस्ट वीडियोस हैं और तुम देख के कुछ सीख लो, तो थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कीजिएगा सर। मैं भाई ये अब तो लॉकडाउन की वजह से फिलहाल वो कोर्स टोटली ऑनलाइन ही है। उससे पहले हम उसको ऑफलाइन भी ऑफर कर रहे थे, लेकिन अब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मेरी अपनी ख्वाहिश भी थी, क्योंकि आप जब ऑनलाइन ऑफर करते हैं किसी चीज़ को तो उसकी मार्केट ज़्यादा हो जाती है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है काफ़ी ना। तो उसका तरीकाकार ये होता है हमारा कि हम तीन मेन सेक्शंस पे वहाँ पे काम करते हैं। एक हमारा जो है वो ऑब्वियसली लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि मैं अपनी वीडियोस आपको दिखाऊं या टेड की वीडियोस दिखाऊं या जो भी दिखाऊं, उस पर मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो अपना बना के देता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं कि भाई आपको इस वीडियो को देख के क्या करना है, इस वीडियो को देख के आपने मुझे बतानी है ये पांच बातें। अगर आप किसी पॉलीग्लॉट की वीडियो देख रहे हैं तो उसने जो टेक्निक्स डिस्कस करी है वो आप लिस्ट करके मुझे भेज दें, या अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखी है तो आप मुझे अपना ओपिनियन उसके बारे में बताइए, आपको उसको देख के कैसा महसूस हुआ, क्या हुआ, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजें। तो हर टास्क से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि एक छोटी सी अपनी वीडियो 1 मिनट 1.5 मिनट की स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर करूँ। पर्सनल वीडियो होती है वो, हर बंदे के लिए अलग अलग होती है, और कोर्स भी जो है ना वो बेसिकली हर बंदे का टेलर्ड होता है। एक ऐसा नहीं होता कि सब लोग जो है वो एक ही चीज है वो करेंगे एक दिन में। तो जैसे अगर किसी बंदे का इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस के अंदर है, तो हम कोशिश करेंगे उससे बिजनेस की ही बात करें, क्योंकि मैंने इस तरीके से सीखी। मैंने जैसे आपको बताया कि टेड पे जब मैं सीख रहा था तो मैं साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखता था, क्योंकि मेरा साइंस में इंटरेस्ट था। तो अगर आप किसी बंदे से उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड बात करेंगे ना, तो वो ज्यादा देर तक आपके पास स्टिक करेगा और ज्यादा जो है ना वो फायदा उठा लेगा, गेन ज्यादा कर लेगा आपसे। तो किसी का बिजनेस में इंटरेस्ट होता है उससे बिजनेस में बात करते हैं, किसी का जो है वो साइंस में टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है तो उस पर बात करते हैं, किसी का कॉमेडी में इंटरेस्ट होता है तो उससे कॉमेडी रिलेटेड चीज़ें जो है उसको दिखाते हैं या बात करते हैं, या जनरल इंटरेस्ट कॉमेडी में सब लोगों का होता है तो उस तरह की चीज़ें उसको दिखा के उससे बात करते हैं उसके बारे में। तो लिसनिंग स्पीकिंग का सेक्शन हमारा ये होता है। फिर दूसरा हमारा सेक्शन होता है कॉन्फिडेंस का।
कॉन्फ्रेंस के अंदर जैसे मैंने बताया कि हम कोशिश करते हैं कि उसको आहिस्ता आहिस्ता करके इस बात पे आमादा करें कि वो लोगों से बात करना शुरू करें इंग्लिश के अंदर। उसमें हम इंटरव्यूज करवाते हैं, मेरा इंटरव्यू होता है, उसामा का होता है शुरू में, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकलते हैं, डॉक्टर नवीद, फिर जो मेरे दोस्त बाहर हैं या लैंग्वेज टीचर्स हैं यहाँ पे, उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता करके उसका इंटरेक्शन करवाते हैं। तो 15 15 20 20 मिनट की हम उसको बोलते हैं कि भाई आप ठीक है, आप ज्यादा बात नहीं करें, आप कुछ क्वेश्चंस डेवलप कर लें और क्वेश्चंस उनसे पूछ लें और सुन लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो इस काबिल भी हो जाता है कि वो इंटरव्यू दे सके। तो जो नए स्टूडेंट्स हमारे कोर्स में एनरोल हो रहे होते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होने वाले हैं, आप उनका इंटरव्यू करें। तो फिर वो उस वक्त जो है उनको बोलने का मौका ज्यादा उस वीडियो कॉल के अंदर मिलने लगता है। और वो वीडियोस फिर हम जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि हम पोस्ट करते हैं अपने ग्रुप्स पे और जगहों पे, और कोशिश करते हैं उसको मुख्तलिफ चीज़ें देते रहें जो वो अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ना पोस्ट करता रहे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई ये इंग्लिश में भी इसकी पोस्टिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना इसकी डेवलप हो रही है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ होती हैं, लतीफ़े होती हैं, कहानियां होती हैं, मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स, उसको एक सेट देते हैं कि भाई ये आप ये लतीफ़े पढ़ें इंग्लिश में, ये लतीफ़े पढ़ें, इसमें से जो सबसे बेस्ट आपको लगे उसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्ट करें। आपके दोस्त उस लतीफ़े को अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में होगा, तो उनको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि यार ये बंदा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बेहतर हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों के परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं उस बंदे के बारे में। कॉन्फिडेंस का हमारा सेक्शन होता है, और तीसरा हमारा सेक्शन होता है ग्रामर का। और ग्रामर मैंने शुरू में बात करी कि एक एग्जाम पास करने के लिए आपके पास एक जरूरी टूल है, और हमारे जो अक्सर स्टूडेंट्स आ रहे थे हमारे पास, वो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मतलब उनकी अकेडमिक स्टडीज चली रही थी, तो वो ग्रामर का सेक्शन उनको वहाँ पे हेल्प करता है। तो ग्रामर में आमतौर पर मेरी ही वीडियोस होती हैं जो मैंने प्रेजेंटेशन या चीज़ें रिकॉर्ड करी होती हैं, तो हम मैं वो टॉपिक एक्सप्लेन करके उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी जो है वो करवा लेता हूँ, और ग्रामर के सेक्शन को भी हम जो है केटर करने की कोशिश करते हैं। बाज दफ़ा हमारे पास इस किस्म के स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मुझे इस टेक्निक से नहीं पढ़ना जिस टेक्निक से बाकी सब लोग पढ़ रहे हैं, बल्कि मैं ग्रामर मेथड से ही इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। तो ये भी एक कन्वेंशनल तरीका है और इस्तेमाल हो रहा है अभी तक। तो ऐसे लोगों को फिर हम ट्रांसलेशन मेथड से सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका उनका उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो फॉर्मल इंग्लिश की होती है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो करना चाह रहे होते हैं मैसेजेस पे, ईमेल्स पे। तो ऐसे लोगों के लिए भी ग्रामर का पोर्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। बाज लोग कंटेंट राइटिंग को अपना जो है ना वो प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ग्रामर जो है वो बहुत अहम टूल बन जाती है। कुछ ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, ब्लॉग लिखना भी हमारे कोर्स का एक पार्ट है कि हम कोशिश करते हैं कि वो ब्लॉग लिखे दुनिया के सामने, उसकी जो है वो जो उसके दिमाग में भरा हुआ है वो दुनिया के सामने आए आहिस्ता आहिस्ता करके। तो जितनी भी राइटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, आप कहीं पे मैसेज करना है अपने बॉसेस को, क्लाइंट्स को इंग्लिश में, तो वहाँ उस मैसेज को करने के लिए आपकी ग्रामर जो है वो सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर वहाँ पे कोई ब्लंडर कर देंगे तो वो मसला भी हो सकता है। आपने टुमारो को यस्टरडे लिख दिया, यस्टरडे को टुमारो लिख दिया, कुछ आगे पीछे कर दिया, तो एक लफ्ज आगे पीछे होने से पूरा मतलब जो है वो गलत हो सकता है। तो ये तीन हमारे मेन सेक्शन हैं, लिसनिंग स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस और ग्रामर, और इन तीन चीजों के ऊपर हम इस तरीके से जो है वो काम करते हैं। आप कुछ ठीक है मजीद इस ऐसे बारे में भाई, सेक्शन है? इसकी जी इसकी ड्यूरेशन उमूमन कितनी होती है अगर कोई इसमें एनरोल करता है तो? देखिए ऑफलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन जब हम ये ऑफर करते हैं तो 3 मंथ्स हम कहते हैं कि 3 मंथ्स का हमारा एक लेवल है। ज्यादा लोग जो है वो उसी लेवल के ऊपर फॉल करते हैं, कुछ उससे नीचे होते हैं, कुछ उससे ऊपर होते हैं, तो फिर उनकी ड्यूरेशन भी चेंज होती है, या उससे आगे अगर वो स्टडी करना चाहते हैं, कोई आइल्स का एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर साल तक की भी होती है। लेकिन जो हम एक बेसिक कोर्स ऑफर करते हैं, फिलहाल उसकी फीस जो है वो 6,000 जा रही है, डिस्काउंटेड प्राइस हमारी, और वो 3 मंथ्स का है। उसकी 3 मंथ्स का ड्यूरेशन मतलब ये है कि अगेन मैं आप ऑनलाइन भी करती हूँ। ऑनलाइन का, ऑनलाइन में बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, जैसे अभी हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आए, उन्होंने बोला कि हम अभी लॉकडाउन में घर में बैठे हैं और हम चाहते हैं कि ये कोर्स अभी हम पूरा कर लें, तो हमने कहा सही बिल्कुल ठीक है। जैसे आपको, आप नॉर्मल जो हमारी रूटीन में क्लास होती है वो 3 डेज अ वीक होती है, 3 डेज अ वीक आपको 40 मिनट्स टू 1 आवर आपको टाइम देना होता है, 40 मिनट से 1 घंटे का टाइम, इससे ज्यादा टाइम आपका हम नहीं लेते। 3 डेज अ वीक इतना टाइम अगर हम लेते हैं तो आप समझ लें कि 12 आवर्स, हाँ तकरीबन 12 आवर्स मंथ के, और टोटल 48 आवर्स जो है ना वो हम आपके कंज्यूम करते हैं तकरीबन 3 महीने के अंदर। तो ये 48 आवर्स, ये 48 टास्क हैं बेसिकली हमारी ना, टास्क ज्यादा हैं आपके हिसाब से हम उसको टेलर कर लेते हैं,
तो 48 टास्क अगर आप हमारी अटेम्प्ट कर ले तो हम बोलते हैं आपका एक लेवल हो गया। अब ये 48 टास्क आप 48 डेज में करें या आप एक दिन में दो करें या एक दिन में तीन करें, आपकी मर्जी है। जिस पेस से भी आप चलना चाहें हम आपका साथ देंगे और आपको पहुंचा देंगे वहां तक। लेकिन ऐसा दरअसल लैंग्वेज भी ना एक स्लो प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस जो है ना उसका स्लो होता है। आज एक जो है आलिम थे, उनका मैं बयान देख रहा था, तो उनसे किसी ने सवाल किया कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो जमीन आसमान 6 दिन में क्यों बनाया, जबकि वो कुन फयकून की ताकत थी तो वो बन सकते थे सिर्फ एक उसमें भी, मतलब एक सिर्फ कहते और बन जाते। तो अल्लाह ताला ने उन आलिम ने ये जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने इंसानों को ये सिखाया कि जो भी बड़ा काम होता है ना वो ग्रेजुअली होता है, स्लो स्लो करना चाहता है अल्लाह ताला ने ये बात इंसानों को इस तरीके से सिखाई। तो लैंग्वेज लर्निंग भी जो है ना वो स्लो प्रोसेस है। तो आप जो है ना वो रोज थोड़ा 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 इनटेक लेंगे और आप 3 मंथ्स के बाद आप फील करेंगे कि कुछ जो है ना वो चेंज आ गया है आपके अंदर। तो ये एक लेवल है हमारा। इसके बाद आप अगर आप नेक्स्ट लेवल ज्वाइन करते हैं हमारा इंटरमीडिएट लेवल, तो वो 4 मंथ्स का है। फिर एडवांस लेवल है हमारा जिसमें हम आइल्स की प्रैक्टिस कराते हैं। तो रिकमेंडेड नहीं होता कि आप 3 मंथ्स से कम में इस काम को करने की कोशिश करें, लेकिन बाज़ लोग होते हैं हमारे दोस्त जो चाहते हैं कि भाई आप जल्दी कर लें। तो बाकी स्किल्स की तरह मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज स्किल जो है ना वो शायद इतनी जल्दी आप मास्टरी लेवल पे नहीं आ सकेंगे अगर आप तेज करने की कोशिश करें। ऑब्वियसली कुछ लोग ज्यादा जहीन होते हैं और वो जल्दी अपना मतलब लेवल एनहेंस कर लेते हैं, लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस ही है बहरहाल। तो ये आप अगर इसको बहुत शॉर्ट भी करेंगे तो मेरे ख्याल में शायद 1 महीने में जा सकेंगे। इससे छोटा जो है ना वो शायद इससे कम में शायद पॉसिबल नहीं होगा। ठीक। अहसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि आपका जो ये नंबर हमने टिकर पे लिखा है यही नंबर है जिस पे लोग रابطہ कर लें अगर कोई सवाल इसे आपसे ऑनलाइन ये भी है, इसको। जी ये जी भी है। और दूसरा मैं इंशाल्लाह नीचे कमेंट में शेयर कर लूंगा, मेरा यूफोन का भी नंबर है ठीक है। और दोनों नंबर्स पे जो है वो रब्ता किया जा सकता है, कोई इशू ये नहीं। दोनों दोनों सूरतों के लिए ना, कोई अगर कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनना चाहता है वो भी, और अगर कोई इस कोर्स को करना चाहता है तो वो भी। कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। आपकी और यूट्यूब प्लेलिस्ट भी है कोई लैंग्वेज की टिप्स के ऊपर? प्लेलिस्ट तो यूट्यूब पे मेरा ख्याल है, हाँ यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है एक। अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने उसकी कोर्स की भी पब्लिक नहीं करी, कुछ तो सिलेक्टेड चीज़ें पब्लिक करी हुई, तो वो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फास्ट इंस्टीट्यूट का चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है अहसन भाई, जजाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। मैं चाहूंगा कोई क्लोजिंग पॉइंट जो आप ऑडियंस से कहना चाहें और फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। जी सर। क्लोजिंग पॉइंट यही हो सकता है सर कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ना वो एक जो डर हमने बिठाया हुआ है ना, इस डर को अगर हम निकाल लेंगे ना तो मसला हल हो जाएगा। जैसे शुरू में मेरे अंदर भी ना एक मसला था बहुत ज्यादा ना, कि मैं चाहता था कि यार इंग्लिश लैंग्वेज सीखे बगैर ही मेरा काम हो जाए, और मैं तो किसी भी चीज का डर खौफ खत्म करने के लिए ना वो काम करना पड़ता है। यानी कि अगर आप किसी फील्ड की पीक पे पहुंच जाते हैं और फिर आप उसकी बुराई बयान करते हैं ना, तो लोग आपकी बात सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि अगर आप इंग्लिश से डरते हैं, उससे नफरत करते हैं और नहीं उसको एक्सेप्ट करना चाहते, तो भी आपको सीखनी पड़ेगी ताकि लोग आपकी बात सुन सकें, वरना लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं, लोग आपको आपकी बात को वैल्यू नहीं देंगे। क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं ना तो उसकी बात की वैल्यू होती है, बाकी किसी की चीज़ की वैल्यू नहीं होती। जैसे इमाम गजाली ने जो है वो फील्ड के अपने टॉप पे पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि जो है ना वो कयामत के दिन इन चीज़ों के बारे में सवाल नहीं होगा जो दुनिया में हम सीखते हैं, तो उनकी बात जो है वो ली गई क्योंकि वो एक अपनी फील्ड के टॉप पे थे। तो आपको इस तरीके से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में भी लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी भी इस मसले में फंसे हुए हैं, तो भी आपको ना सीखना तो पड़ेगा। सीख के जब आप बेहतर पोजिशन पे आ जाएंगे, जब आप तो आपके सामने इसके प्रोज एंड कॉन्स भी वाजे हो जाएंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कि कितनी जो है ना वो इससे आपकी लाइफ पे फर्क पड़ा कितना नहीं पड़ा। और यानी कि इसके बगैर गुजारा फिलहाल नहीं है। अगले 2-3 साल तक ये हमारी जो लाइफ स्किल है ना वो यही है। मेरा एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, वो मैं मतलब वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और वो टॉपिक है कि फ्यूचर में किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत होगी। तो जब इस टॉपिक पे मैंने रिसर्च करनी शुरू करी ना, तो जो बार बार जो एक चीज़ मेरे सामने आ रही थी वो इंग्लिश लैंग्वेज ही। और अभी अगले 2-3 साल तक, जब तक हमारे पास वॉलेट ट्रांसलेटर्स अवेलेबल नहीं हो जाते जिसमें आप बोलें किसी और जबान में और वो ट्रांसलेट होके किसी और जबान में चला जाए, वॉलेट ट्रांसलेटर्स कॉमनली अवेलेबल नहीं हो जाते,
शायद तब तक तो इसकी अहमियत जो है ना वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी और बहुत ज्यादा अहमियत रहेगी। जितना भी जो भी जिस फील्ड में भी आप एक्सेल करना चाहते हैं, जैसे मैं भाई ने भी कहा, उस फील्ड में एक्सेल करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, दैट्स जजाक अल्लाह दैट्स का ऑल फ्रॉम बहुत माय बहुत साइड। शुक्रिया। हाँ, मुझे उम्मीद है कि लोग इंशाल्लाह आपके प्लेलिस्ट पर भी आएंगे, और आपसे मैं खुद भी चाहूँगा कि मैं 1-to-1 कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनूँ। जजाक अल्लाह सर, आपने टाइम बिल्कुल, मोस्ट निकाला, वेलकम। इंशाल्लाह। थैंक जजाक अल्लाह, अस्सलाम यू वालेकुम एम एस। वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू एम एस।